बहुत ही अच्छी ट्रिक सीखी थी मल्टीपल्स कर सकते हैं कि उसी ट्रिक से मैंने एक और ट्रिक आपके लिए सोची है मैंने सोचा कि यार इसमें कुछ और भी अपन कर सकते हैं तो मुझे एक उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नजर आई तो वो एक बार तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि क्या वो बात मुझे नजर आई इसके अंदर देखो फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिए थे जैसे कि मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं थर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई थर्टी फाइव और आई कैन से लाइक ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो सब में ही एक चीज क्या आपको कुछ कॉमन दिख रही है देखो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली टें जो नंबर है वो तो सेम ही है अरे भाई ऑब्वियस है ना स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों नंबर सेम है तो टेंस भी उनके सेम ही होंगे तो ये तो हमको दिख ही रहा है टेन सेम है अब अपन वंस प्लेस की बात करते हैं तो वंस प्लेस पे अगर आप देखो तो यहां फाइव है यहां है दोनों का सम कितना होता है टेन इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं यहां फाइव है और यहां पे भी फाइव है तो इनका सम कितना हो जाएगा टेन ऐसे ही यहां पे भी और यहां पे भी इसका भी सम समेन है तो इसको देखते हुए मैंने सोचा अब आज की जो हमारी ट्रिक है इसको देखते हुए मुझे क्या समझ में आया कि जो आपका वंस प्लेस पे जो नंबर है जो भी नंबर है दोनों फॉर एग्जाम्पल दो नंबर अपन ने लिए मल्टीप्लीकेशन अब इसमें क्या देखना है कि आपका जो वंस प्लेस पे नंबर है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए टेन होना चाहिए और प्लस आपका टेंस प्लेस वाला जो नंबर है वो दोनों में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अगर ऐसा हो तो क्या इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन में हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं देखते हैं एक बार फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें लेट से ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी अब देखो वन से टेन uh, सेम है ना और यहां पे थ्री और टेन देन अगर मैं सम करना चाहती हूं तो यहां मुझे क्या लिखना होगा सेवन ट्वेंटी थ्री मुझे दे रखा है तो अगर इस मेथड के हिसाब से हम देखें तो क्या करते थे अपन अपन जो वाला नंबर नंबर था उसको अपन इसके नंबर, इसके आगे जो आता है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो टू के आगे क्या आता है थ्री टू थ्रीजा सिक्स तो यहां मैंने लिख दिया कितना सिक्स ठीक है अब थ्री और सेवन तो यहां पे वन क्या कर रहे हैं फाइव मल्टीप्लाइड फाइव ट्वेंटी फाइव यही तो लिखते थे फॉर एक्साम्पल इधर अगर मैं बात करूं तो टू थ्री झा सिक्स और फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव यही कर रहे हैं ना तो यहां पे सेम चीज ही अगर मैं करूं दैट इज थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन तो अब जरा आप खुद चेक करके बताइए मुझे कि ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी सेवन जब आप कर रहे हो तो क्या आपका आंसर सिक्स ट्वेंटी वन ही आ रहा है आई एम 100% करेक्ट चेक करके देखना इसको इसी तरीके से थोड़े बहुत अब एक एग्जाम्पल आप बोलोगे कि एक से क्या फर्क पड़ता है सब भी होना चाहिए कोई बात नहीं अपन चेक कर लेते हैं देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं लेट्स से uh, 34 फोर मल्टीप्लाइड बाय थर्टी तो अब देखो 4 और 6, इसका सम कितना है टेन और थ्री और थ्री सेम है तो क्या करूंगी पहले थ्री को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी यानी थ्री फोर जा कितना आ जाएगा मेरे पास ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है और फोर सिक्स यानी कि ट्वेंटी फोर ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया अब देख रहे हो आप थर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई थर्टी सिक्स दोनों डबल डिजिट के मल्टीप्लीकेशन को हम दो सेकेंड में कंप्लीट कर सकते हैं कुछ भी जरूरत नहीं है सोचने की डायरेक्टली थर्टी फोर थर्टी सिक्स दिख रहा है अगर तो थ्री फोर जॉ टोर ट्वेंटी फोर बन गया आपका मल्टीप्लीकेशन ठीक है इसी तरीके से और भी करके देख लो और यहाँ पे और एग्जाम्पल्स देख लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्वेंटी फाइव या इसको ना लेकर के हम लेते हैं फोर्टी लेट से फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी फोर ठीक है पे मैं क्या करूंगी फोर फाइव कैलकुलेटर पे चेक करके देख लो मल्टीप्लीकेशन यही आपका मल्टीप्लीकेशन आने वाला है अब बात आती है कि कैसे हमारी सीरीज क्या है नो मैजिक ओनली लॉजिक तो ऑब्वियसली लॉजिक समझना समझना तो इंपॉर्टेंट है ही तो लॉजिक देखते हैं तो जो लॉजिक हमने लास्ट क्लास में देखा था 15 15 का वही लॉजिक अप्लाई करके देखूंगी ऑब्वियसली सेम तरीका हम अगर देख रहे हैं दोनों में सेम मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका से uh, जो आपका वो आया है रीजन जो है वो रीजन भी सेम ही होगा दोनों के पीछे देखते हैं चलो तो अगर इसकी मैंने बात करी थी एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर हम बात कर रहे थे तो इसको हमने क्या ऐसे नहीं लिख लिया था कि ट्वेंटी प्लस फाइव का स्क्वायर और उसके बाद हम जो आइडेंटिटी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको हमने अप्लाई किया था यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है फटाफट देख लो ए स्क्स बी स्क्तर प्लस टू ए बी ये सबको पता होना चाहिए तो यही चीज मैंने यहां पे अप्लाई करी थी करी थी ओके okay. अब देखो ये सेम मेथड 25 का स्क्वायर मतलब 25 फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी यहां हमको करना है फॉर एग्जांपल 23 थ्री मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी देखो अब इसको मैं क्या लिखूंगी यहां मुझे करना है 23 मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी सेवन ओके यहां पे भी इसको स्प्लिट कर लेती हूं कैसे स्प्लिट करूंगी देखो जरा ट्वेंटी थ्री को हम लिखेंगे ट्वेंटी प्लस थ्री और ट्वेंटी सेवन को हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी प्लस सेवन लिख सकती हूं इस तरीके से राइट right. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इसे कैसे करते हैं ट्वेंटी ये बात सबको पता होनी चाहिए 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और उसके बाद 3 को 20 प्लस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है देखो करते हैं तो ट्वेंटी प्लस थ्री अगर मैंने किया तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी आ जाएगा प्लस ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय सेवन आ जाएगा राइट देन थ्री को करते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी आ जाएगा एंड देन थ्री मल्टीप्लाइड बाय सेवन आ जाएगा अब देखो यहां पे मैं फिर से इसको अप्लाई करके बताती हूं तब आपको पता चलेगा कि सेम लॉजिक लग रहा है 20 प्लस फाइव का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय फाइव प्लस क्या लिख देंगे फाइव का स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी फाइव यही कर रहे थे वहां देखो मैंने ऐसे लिख दिया अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे स्टेपेंटी मल्टीप्लाइडी मल्टीप्लाइड बाई सेवन है और ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री है तो इन दोनों से क्या मैं ट्वेंटी कॉमन ले सकती हूं बिल्कुल ले सकती हूं ट्वेंटी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा सेवन और थ्री जिसका सम कितना हो जाएगा टेन तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय टेन लिख दिया अब यहां क्या दिख रही है मुझको यहां इसको अगर मैं ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी लिखती हूं प्लस इसको ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय टेन लिखती हूं यही समझा था ना हमने तो इन दोनों में से अपन क्या कर लेते हैं ट्वेंटी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से ट्वेंटी ले कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपके पास बचेगा ट्वेंटी और टेन यानी कि थर्टी तो हमेशा ये जो टेन है ये जो टेन है ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव तो आएगा ही आएगा जब भी हम ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर या थर्टी फाइव का स्क्वायर करो किसी किसी का भी स्क्वायर करो या फाइव तो आपका कांस्टेंट है ठीक है तो हमेशा टेन जरूर आएगा और टेन और ट्वेंटी हमेशा एड होंगे इसलिए हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाता है यानी कि थर्टी आ जाता है आगे ना बात समझ में यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करो देखो ये ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन आ गया इसकी तरह और यहां ट्वेंटी का स्क्वायर आ गया इसकी तरह अब सेम तरीके से मैं ट्वेंटी कॉमन ले सकती हूं अंदर बच जाएगा मेरे पास ट्वेंटी प्लस टेन ट्वेंटी प्लस टेन और ये ट्वेंटी वन तो अपना एज इट इज आई रहा है ठीक है फिर वही चीज हो गई ट्वेंटी तो से हमने थर्टी प्लस ट्वेंटी मल्टीप्लाई किया है यहां पर भी कैसे हुआ टेन हमेशा टेन क्यों आएगा क्योंकि मैं आपको बोल रही हूं कि जो आपका यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है इसका सम टेन होना चाहिए तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा ठीक है एंड ये कॉम्बिनेशन याद रखने आई डोंट थिंक ज्यादा डिफिकल्ट टेन के एडिशन वाले कॉम्बिनेशन यानी कि वन नाइन हो गया नेक्स्ट कॉम्बिनेशन टू एट हो गया दूसरा थ्री सेवन होता है टू एट होता है थ्री सेवन होता है फोर सिक्स होता है और फाइव फाइव होता है गाइज देखो सिर्फ क्या है कितने से कॉम्बिनेशन है आप ये देखो कितने कॉम्बिनेशन हैं सिर्फ ये थ्री मल्टीप्लाइडीप्लाइड मल्टीप्लाइड तो यहां पे ये देखो कितने एक दो तीन चार पांच सिर्फ पांच कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं और ये आपको यूं ही याद हो जाएंगे कोई आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी तो यहां पर क्या हुआ सेवन और थ्री सेवन और थ्री यहां पर आपका सम क्या आएगा हमेशा टेन ही आएगा फोर और सिक्स हो जाएंगे तो भी टेन फाइव फाइव है जैसे कि यहां पर तो भी टेन तो इसीलिए ये जो चीज है ये जो तीन स्टेप्स हम, मैंने आपको दिखाए ये सेम है चाहे मैं इसके लिए बात करूं या इसके लिए बात करूं और इस वजह से ऐसा कोई भी मल्टीप्लीकेशन जहां पे टेंस का जो नंबर है या टेंस की जो डिजिट है वो सेम है और जो यूनिट्स पे डिजिट है उनका सम कितना है 10 है वहां पे आप इस मल्टीप्लीकेशन के मेथड को यूज कर सकते हो तो अब इसको एकदम क्लियर करने के लिए हम फटाफट से दो तीन एग्जाम्पल और कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट ओके तो हा यहां ये, ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया फिफ्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी सिक्स सेकेंड अपन लेते हैं देखो लेट्स से मल्टीप्लाइड और बड़े नंबर ले, ले लेते हैं वो हमने जो ट्रिपल डिजिट वाला समझा था वो भी ट्राई करके देखते हैं कि वो भी यहां पर होता है क्या ट्रू थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ओके नॉट थर्टीन वन थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाय बाई लेटर्टी फोर अब ये देखो ये हो रहा है ना ये कांस्टेंट है सिक्स और फोर यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम आपका टेन आना चाहिए बस तो इन तीन एग्जांपल्स को देख लेते हैं फटाफट से देखो फिफ्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टी सिक्स अब क्या करूंगी मैं यूनिट्स का मुझे जो टेंस में है उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने की यानी कि फाइव से फाइव को किससे से सिक्स से करना है फाइव सिक्स कितना होता है थ्री जीरो फाइव सिक्स थर्टी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर लो आ गया आंसर थ्री जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन नाइन होता है अब यहां पे ध्यान से देखो ये एट्टी है और ये एटी नाइन मतलब वन और नाइन हटा दोगे तो एट्टी नाइन होगा ना सॉरी uh, एटी होगा ना तो एटी मल्टीप्लाइड बाई एटी ऐसे हो रहा है सॉरी एटी मल्टीप्लाइड बाय नाइनटी कर रहे हैं हम हमने देखा था ना अभी जब मैंने आपको रीजन समझाया था तो यहां पे जीरो कितने आएंगे दो आएंगे तो यहां की दो प्लेसेस हैं अब अगर आपका नंबर कितना आ रहा है नाइन वन जन नाइन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें नाइन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सेवन टू जीरो नाइन तो अगर चांस आपके पास एक डिजिट भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे ये वाला जो प्लेस है इसके ऊपर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा लास्ट में आपके दो प्लेसेस बचेंगे ही बचेंगे ठीक है इसको देख लेते हैं तो यहां हम कैसे कर रहे थे थर्टीन है थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन कर रहे थे थर्टीन मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन का मैंने आपको तरीका बताया था कि इसको हम थर्टीन स्क्वायर प्लस करके

Then you will know that this is a perfect method for calculating the multiplication of, you're calculating the product of such kind of numbers. So this was for today. Thank you so much. Bye bye.